विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व हिंदू चेतना मंच के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पैडलेगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, जिसके संबंध में विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के केंद्रीय संयोजक रघुवंश हिंदू ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के तहत नेताजी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि इस माले में 125 प्रकार के पुष्पों के पत्तों से मिलाकर बनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से देश को आजाद कराया, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज उचित सम्मान नहीं मिल पाया। हम 21वीं सदी में नेताजी के मिशन को लेकर चल रहे हैं और कार्य निश्चित पूरा होगा। इस अवसर पर डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, मनीषा मिश्रा, अनिल योगी, इंद्रजीत सिंह, विजय नारायण मिश्रा, पंडित चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, दिलीप शाहू, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव, दयाशंकर तिवारी, विशाल मिश्रा तथा अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के केंद्रीय संयोजक रघुवंश हिंदू ने कहा, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रघुवंश हिंदू संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। आज देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वां जन्मदिन है। देखिए जन्मोत्सव और जन्मदिन में थोड़ा अंतर होता है, कुछ लोग 124 कह रहे हैं लेकिन 125वां है, और 125वां जन्मदिन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को 125 पाउंड का ये माला पहनाया गया है। और देश के महान नायक, हमको लगता है कि सारे शहीदों की आत्माएं नेताजी में बसती हैं, और नेताजी को सम्मान देने से हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान जैसे चंद्रशेखर आजाद सभी वीरों को सम्मान देते हैं। तो इसके लिए उनका 125वां जन्मदिन का हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं, और इस उत्सव में 125 पाउंड का हम लोग माला पहना। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो शब्दों में बयां करना कठिन है, लेकिन एक निश्चित बात है कि वो एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे वीर थे, मैं तो ये मानता हूँ कि अकेले व्यक्ति सेना नायक ही नहीं, वो पूरी सेना थे। और जिस तरह से उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज़ादी में जितनी यातनाएं झेला उन्होंने, अगर उनकी जेल की यात्रा को पढ़ेंगे तो शायद भारत के इतिहास में आपको कम ऐसे लोग मिलेंगे कि जो इतनी ज़्यादा जेल और इतने लंबे समय तक और पूरी कड़ाई के साथ, जिनके साथ बरता अंग्रेज़ों ने इनकी कड़ाई के साथ बरती, वो इतनी यातना झेल करके देश को आज़ाद कराए, जिसको क्लेमेंट एटली ने भी प्रमाणित किया कि देश की जो आज़ादी हुई है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आईएनए के कारण हुई है। और हालांकि बहुत सारे लोग गांधी जी इत्यादि सभी लोग कहते हैं सबका योगदान हो सकता है, लेकिन मिनिमम योगदान हो सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीदों का योगदान सर्वोपरि है।